Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh hier an die German Mentor. Dear friends, आज मैं आपको बताऊंगा prepositions के बारे में जो हम use करते हैं directions के लिए. ये एक थोड़ा सा confusing topic है. आप पूरा video देखिए, comment करके बताइए आपको कैसा लगा. Channel को support कीजिए, subscribe कीजिए friends. German अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए number पर आप मुझे contact कर सकते हैं, मैं आपको revert करूँगा. चलिए शुरू करते हैं आज का session. Los geht's. टुडेज टॉपिक जर्मन प्रेपोजिशंस फॉर डायरेक्शंस. यही आज हम सीखेंगे वन बाय वन. देखिए कौन सी प्रेपोजिशंस आज हम सीखेंगे. सबसे पहले होगा नाक. सेकंड मैं आपको बताऊंगा सू प्रेपोजिशन के बारे में. थर्ड हम सीखेंगे इन. फोर्थ होगा आन. फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा आउफ प्रेपोजिशन के बारे में. और लास्ट में हम कुछ रैंडम प्रेपोजिशंस सीखेंगे फ्रेंड्स. आन प्लस फोर बाय टोर्श बिस सू गिगन यूबर फोन. तो हम ये सारी प्रेपोजिशन सीखेंगे आज वन बाय वन विद एग्जांपल्स. तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेशन की लेंथ पे मत जाइएगा, सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए. कोई पार्ट अगर आप मिस करते हैं तो वो चीज़ शायद आप स्किप कर दें. तो हम शुरू करेंगे नाक से और जाएंगे गिगन यूबर फोन तक. चलिए देखते हैं आगे. प्रेपोजिशंस आर एसेंशियल्स इन इंडिकेटिंग डायरेक्शंस इन जर्मन. तो वो आज हम सीख ही रहे हैं. वी विल लर्न कॉमन डायरेक्शन प्रेपोजिशंस विद यूसेज एंड एग्जाम्पल्स वन बाई वन. तो हम एक एक करके सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. देखिए सबसे पहले होगा नाक. प्रेपोजिशंस फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स अ प्लेस यूज फॉर मैंशनिंग जियोग्राफिकल डेस्टिनेशंस एंड डायरेक्शंस लाइक कंट्रीज स्टेट्स सिटीज एंड होम. देखिए जब आप एक दूर का ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं नाक, जिसमें आपकी डायरेक्शंस आ जाती हैं. कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं, आउटसाइड दी स्टेट सिटी, और एक एक्सेप्शन होता है आपका होम के केस में. वो देखिए कैसे. फर्स्ट एग्जांपल है इश राइजर नाक खामबोश. आई एम ट्रेवलिंग टू जर्मनी. मान लीजिए मैं बर्लिन रहता हूँ और दूसरी सिटी में ट्रेवल कर रहा हूँ जो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा नाक. ठीक है. और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए एयर गेट नाक हाउजर ही इज़ गोइंग टू होम. तो अब जो है हाउस तो आपका अपनी टेरिटरी के अंदर ही होता है फ्रेंड्स, विद इन अ सिटी होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है. तो हाउस के केस में आपको नाक ही यूज़ करना है. थर्ड एग्जांपल देखिए वी आर गेन नाक कनाडा. वी आर गोइंग टू कनाडा. तो मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं एक दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप कंट्री के केस में भी नाक यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ये मैंने हाउप्स आर्ट्स और नेबन्स आर्ट्स में बनाया है. डी स्टूडेंटन गेन नाक यूएसए ओम आइनर क्लेन सेंड करियर सू माखन. द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू यूएसए टू मेक ब्राइट करियर. तो देखिए जब आप दूर का ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें आपकी डायरेक्शंस जैसे कंट्रीज स्टेट्स सिटीज़ और होम ये एक एक्सेप्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे डायरेक्शनल केस में आपको यूज़ करना है नाक. ठीक है. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा नाक के केस में. नेक्स्ट हम देखेंगे सू प्रेपोजिशंस फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स अ प्लेस विद इन अ टेरिटरी. अब आप एक सिटी के अंदर ही, आप अपनी टेरिटरी के अंदर ही जब आप ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सू कंपेरेटिवली, जो नाक के केस में नहीं था. अब देखिए सू के केस में क्या होगा फ्रेंड्स. यूज फॉर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इवेंट पर्सन एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशंस. जब आप विद इन अ टेरिटरी अपनी सिटी में जब आप कोई इवेंट पे विजिट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मिलने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन, उस केस में हम यूज़ करेंगे सू. बाइस्पील फर्स्ट एग्जाम्पल है वी आर गेन सू पार्क. वी आर गोइंग टू द पार्क. तो देखिए हम अपनी ही सिटी में हैं और पार्क में जा रहे हैं, तो उसमें आपको लगाना है सूम पार्क. तो सुम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सू प्लस टेम है, क्योंकि सू आपकी एक डाटी प्रेपोजिशन है, तो डेयर पार्क कन्वर्ट हो जाएगा सुम में. तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस हर एग्जांपल के आगे लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, उसको आप अपनी नॉलेज के लिए लिखते जाइए, और साथ के साथ मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूँ. फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. इश के सू शूल आई एम गोइंग टू द स्कूल. तो डी शूल होता है, तो सू डाटिव है, तो डी आपका कन्वर्ट हो गया डेयर में, तो कॉन्ट्रैक्शन बना सुअ. तो देखिए आप स्कूल जाते हैं तो आपके घर के आसपास ही है, तो उस केस में भी आपको लगाना है सुअ शूल. नेक्स्ट फ्रेज देखिए देयर पेशेंट गेट सुम आस्क द पेशेंट इज गोइंग टू द डॉक्टर. तो आप अपनी जगह पे किसी जब पर्सन को विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम सू यूज़ करते हैं. तो सुम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है सू प्लस डेम का, क्योंकि जो डेयर आस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेम में. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए वी आर गेंस सुअर पार्टी. वी आर गोइंग टू द इवेंट सू प्लस डेयर यानी सुअर पार्टी, क्योंकि ये एक इवेंट है. तो इवेंट के केस में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको सू यूज़ करना है. लास्ट फ्रेज देखिए फ्रेंड्स जी गेट सुअर पार्क. शी इज़ गोइंग टू द बैंक. तो जो सुअर है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन है सू प्लस डेयर का,
तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है और कोई जगह है, तो उस केस में भी आपको यूज़ करना है सू। तो फ्रेंड्स, इस वाली प्रेपोजिशन में कंक्लूजन यही है कि जब आप विद इन अ टेरिटरी किसी इवेंट पे पर्सन को मिलने, कोई एक्टिविटी, कोई इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको यूज़ करना है सू। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन थी इन। प्रेपोजिशंस फॉर मूवमेंट इन टू और ऑन टू समथिंग यूज फॉर एंटरिंग बिल्डिंग्स और एनक्लोज स्पेसिस हैविंग बाउंड्रीज नियर बाय प्लेसेस। एयरपोर्ट्स के केस में भी हम यूज़ करते हैं इन। तो देखिए, जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर फिजिकली जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एक सर्टन बाउंड्री है किसी चीज़ की, तो उस केस में हम इन यूज़ करेंगे। एयरपोर्ट्स के केस में भी हम इन यूज़ करते हैं। बाई स्पीलर एयर गेट इन डी बिब्लियोथेक ही इज़ गोइंग इन टू द लाइब्रेरी। वो फिजिकली जा रहा है कहाँ पर? लाइब्रेरी के अंदर। फ्रेज देखिए, इशवार इन स्टार्ट सेंट्रम आई एम ड्राइविंग इन टू द सिटी सेंटर। तो इंस जो है वो कॉन्ट्रेक्शन है इन प्लस दास का, तो मैं फिजिकली एंटर कर रहा हूँ सिटी सेंटर में। वी आर गेन इन डेन फ्लू गाफन, वी आर गोइंग इन साइड द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के केस में भी आपको यूज करना होता है इन प्रपोजिशन को। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, टी किंडर कैन इन डेन पार्क उम फुसबॉल सू स्पीलन। द चिल्ड्रन आर गोइंग इन द पार्क टू प्ले फुटबॉल। तो ये मैंने एक हाउपसार्ट्स और नेबनसार्ट्स में बनाया, फ्रेंड्स बना सकते हैं आप भी। मेन आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है कि बच्चे जो हैं पार्क में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर, वो फुटबॉल खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वाली प्रेपोजिशन में आपने ध्यान रखना है कि जब आप किसी बिल्डिंग में या किसी डेस्टिनेशन के अंदर आप जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं, जिसकी कोई सर्टेन बाउंड्री है, और एयरपोर्ट्स के केस में आपको यूज़ करना होता है इन। अब फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट एग्जांपल इन प्रेपोजिशन पे। डी फैमिली गेट इन स्किनो, द फैमिली इज गोइंग इन द सिनेमा। तो इंस आपका कॉन्ट्रेक्शन है इन प्लस दास। तो इस वाली प्रेपोजिशन पे कंक्लूजन यही है कि जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी डेस्टिनेशन के अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं, जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री है, पार्क भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है इन प्रेपोजिशन को, और एयरपोर्ट्स के केस में भी इन प्रेपोजिशन। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन इन एंड सू। बोथ आर करेक्ट बट स्मॉल डिफरेंस। तो ऊपर वाला जो सिचुएशन है वो देखिए, मार्क्स उन बिया गेन इन्स काफे। तो देखिए, ये दो फ्रेंड्स हैं, ये जब फिजिकली एक शॉप के अंदर, एक कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं कॉफ़ी को पीने के लिए, तो उसमें हम यूज़ करेंगे इन्स काफे, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली अंदर की तरफ गए हैं। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो आप देखिए, मार्क्स उन बिया गेन सुम काफे। अब इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि हम श्योर नहीं हैं कि क्या वो अंदर जाएंगे, हो सकता है कि उनका कोई एक फ्रेंड है जो बाहर उनका वेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे सुम। ओके, तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि जब आप अंदर ना जाके बाहर किसी का वेट कर रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे सुम। तो ये एक स्मॉल डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ और लिखता हूँ, इश्क इन स्किनो, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और इश्क सुम खिनो, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ लेकिन हो सकता है मैं किसी को बाहर ही मिल रहा हूँ। देखिए, इश्क इन डेन पार्क, मैं पार्क के अंदर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे अंदर किसी से मिलना हो। इश्क सुम पार्क, मैं पार्क में ना जाकर बाहर ही किसी से मिल रहा हूँ। तो कंक्लूजन यही है कि जब आप फिजिकली किसी डेस्टिनेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपका यूज़ होगा इन, और जब आप किसी डेस्टिनेशन के अंदर ना जाके बाहर ही किसी से मिल रहे हैं या वेट कर रहे हैं, तो उस केस में यूज़ करना है सू। कॉन्ट्रेक्शन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि इन और सू में क्या डिफरेंस होता है और आपको कैसे यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ जो हमारी थी आन। प्रेपोजिशंस फॉर मूवमेंट टू और एट समथिंग, टू या एट ऑन द साइड ऑफ समथिंग और स्टैंडिंग एट सम लोकेशन। जब आप मान लीजिए किसी लोकेशन के साइड पर खड़े हैं या किसी लोकेशन पर खड़े हैं और आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे आन प्रेपोजिशन को। देखिए, बाइस्पीलो एयर गेट आन डी क्यूस्टर ही इज़ गोइंग टू द कोस्ट। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस वाली प्रेपोजिशन में आपने ध्यान रखना है कि जब आप कोई ऐसी लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर कोई पानी है, तो वहाँ पर आप आन का यूज़ करेंगे। जैसे आपका कोस्ट हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, या कोई फ्लूस जैसे हम रिवर बोलते हैं, तो वो सारी सिचुएशंस में हम यूज़ करेंगे आन। देखिए, वी आर फॉरन आन स्मेयर, वी आर गोइंग टू द सी। तो आंस आपका कॉन्ट्रेक्शन है आन प्लस दास। तो मैं जो है सी पर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है आन, क्योंकि ये भी एक पानी वाली लोकेशन है। इश डे आन डे थंग स्टेलर आई एम स्टैंडिंग एट द पेट्रोल पम्प। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा ओवर द फोन, वेयर आर यू, तो आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं। तो इश डे आन डे टंग स्टेलर, किसी लोकेशन पर। और लास्ट फ्रेज देखिए, डी किंडर गेन आन डेन फ्लूस द चिल्ड्रन गो टू द रिवर। तो ये भी देखिए, आप एक पानी वाली लोकेशन है कि जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं एक नदी की तरफ, तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है आन। तो इस वाली प्रेपोजिशन का कंक्लूजन ये है कि जितनी भी लोकेशन हमारी पानी वाली हैं या कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप ऑलरेडी खड़े हैं या अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आन प्रेपोजिशन को।
अब देखते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं आउफ, इसका जो मतलब होता है टू या अप ऑन समथिंग, जिसमें आपकी बेसिकली आ जाती ओट, जिसका मतलब होता है प्लेस, इंसेल, आइलैंड, मार्क प्लाट्स, पार्क प्लाट्स, स्पील प्लाट्स, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई प्लेस हो, ओके तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आउफ प्रेपोजिशन को। बाइस्पील, एयर गेट ऑफ 10 मार्क, ही गोज़ टू द मार्केट, तो मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो आपने आउफ यूज़ करना है। वी आर ऑफन ऑफ डेन बैक, वी आर रनिंग अप द माउंटेन, तो अप जैसा मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं आउफ। थर्ड देखिए, डी फैमिलिया गेन ऑफ डी इंजन, द फैमिली वॉक ऑन द आइलैंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ रैंडम एग्जांपल्स आपको बताने के लिए आउफ प्रेपोजिशन में, जिसमें आपका आ जाएगा ऑट, इंजन, मार्क प्लाट्स, पार्क प्लाट्स, स्पील प्लाट्स, तो ऐसी जगह पे आपको यूज़ करना है आउफ प्रेपोजिशन को। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं सेशन के एंड में। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ रैंडम प्रेपोजिशंस के बारे में, सम अदर प्रेपोजिशंस यूज टू एक्सप्रेस सम वे टू अदर पर्सन्स। मान लीजिए कोई अननोन पर्सन आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है, तो उस केस में कौन कौन सी प्रेपोजिशंस को यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले होता है ऑन, फॉर, बाय, प्लस, कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है टू पास और क्रॉस ओवर समथिंग। जब आप कोई चीज़ क्रॉस करके किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे और आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसमें आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। मान लीजिए मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ, गेन जी आम खाउफ फोर बाय उदान नेमन जी एस्ट लिंक्स, गो पास द डिपार्टमेंट स्टोर एंड देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि आप एक डिपार्टमेंट स्टोर को जो है क्रॉस कीजिएगा और उसके बाद आपको जो है फर्स्ट लेफ्ट लेना है। तो जब क्रॉस करने की कोई सिचुएशन है तो वहाँ पर आपको लगाना है आन फोर बाय। सेकंड देखिए, आपको होता है डर्श प्लस टू गो थ्रू सम प्लेस, जब आप किसी डेस्टिनेशन के थ्रू होकर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है डर्श। गेन जी गिराडियस टू स्टेन पार्क दान पिस टू शोन द वॉक स्ट्रेट अहेड थ्रू द पार्क एंड यू आर ऑलरेडी देयर। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है आपको समझाने के लिए, एक पर्सन है जो एक पार्क के थ्रू होकर जा रहा है, उसके अंदर की तरफ से जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो आप यूज़ करेंगे दुर्श प्रेपोजिशन को। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारी थर्ड प्रेपोजिशन, बिस सू टू गो टिल। नेमन जी बिटे दी स्वाइटेस्ट ट्रासर लिंक्स बिस सुम हाउस, प्लीज टेक द सेकेंड स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट अनटिल यू रीच द होम। तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि आपको कहाँ तक जाना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बिस सू। अब फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जो हमारा प्रेपोजिशन है गिगन यूबर फोन ऑपोजिट ऑफ। द हाउस नंबर सेम लीक गिगन यूबर फोन देर पंक, हाउस नंबर 10 सिचुएटेड ऑपोजिट फ्रॉम द बैंक। तो देखिए, एक डेस्टिनेशन है वो दूसरे जो डेस्टिनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको यूज़ करना होता है गिगन यूबर फोन। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया प्रेपोजिशंस जो हम डायरेक्शंस के केस में यूज़ करते हैं, और लास्ट में मैंने आपको कुछ रैंडम प्रेपोजिशंस बताई ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आप बेशक अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, इनको याद कीजिएगा, सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, जैसा कोई सिचुएशन आपके माइंड में आए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप सेंटेंसेस बनाइए। अगर फिर भी आप कहीं स्टक अप होते हैं मुझे कमेंट करिए, मैं आपको करेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स, आई होप कि सेशन देखने के बाद आपको ये पूरा डायरेक्शन वाली प्रेपोजिशंस क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देखते रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे जल्दी। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस्पार्ट, चूज़ ऑफ इट इज़ इन।